राजीव, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हमारे बेबी को कुछ हो गया तो? घबराओ मत, डॉक्टर चेक कर रही है, सब ठीक हो जाएगा। अरे यार बेबी, ये डॉक्टर क्या बताएगी, इससे क्या पता? मैं माँ हूँ, अपने बच्चे के धड़कनों को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। माय बेबी इज नॉट मूविंग। व्हाट? माय बेबी इज नॉट मूविंग डॉक्टर। नो प्रॉब्लम, योर बेबी इज ओके। थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब ठीक है चंचू, सब ठीक है। प्लान तो चौपट होते दिख रहा, सिचुएशन भी हाथ से निकल रही, कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। चंचल कुछ कर, अपना दिमाग लगा। नो प्रॉब्लम। अरे ये क्या जाने, आई एम अ मदर, ओके, एंड आई नो इट। सो डॉक्टर, यू थिंक अ कार कैन रन ओवर अ प्रेग्नेंट लेडी एंड नथिंग विल हैपन टू हर, जस्ट अ माइनर इंजरी, दैट्स इट। व्हाट? You were run over by the car. Yes, by this careless son of wealthy family. Then this is the police issue. You must call the police first. Yes, doctor. Thank you. What? तुम दोनों ठीक तो हो? गाड़ी कौन चला रहा था? कब हुआ ये? Listen, listen, listen. वो तुमने पुलिस को कुछ नहीं बताया ना? या और किसी ने भी? जब तक मैं वहां ना पहुंचू, अपना मुंह बंद रखना। यू अंडरस्टैंड दैट? या या। पैम, गेट अप, गेट अप, गेट अप। वीर और हीरा ने अपनी गाड़ी से किसी औरत को उड़ा दिया, जल्दी चलो। इस लड़के को जब से छूट दिए ना, हाथ से निकलता चला जा रहा है, पूरे खानदान का नाम बर्बाद करके रह गई। इज हीरा ओके? या शी इज ऑल राइट। वीर ने नशे में किसी औरत को उड़ा दिया, प्रेग्नेंट औरत को, हीरा उसके साथ में थी। ये खुद तो मरेगा, हमारी बेटी को भी मारेगा। कम ऑन, गेट अप, गेट अप। चलते हैं, इतना हाइपर क्यों रहे हो? एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ है पैम, वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, कम ऑन गेट अप। चलते हैं ना बलराज, पहले पुलिस को तो कंप्लेन कर दे। हम्म, तुम पागल हो गई हो क्या? ये दोनों एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्वड हैं। बस तुम्हारी इतना इमोशनल नहीं हो रही हूँ, जहां तुम्हें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए वहां तुम इमोशनल हो रहे हो। बलराज ये तो हमारे लिए मौका है, मौका। कैसे? गाड़ी कौन चला रहा था? वीर। पी किसने रखी थी? वीर ने। प्रेग्नेंट औरत को किसने उड़ाया? वीर ने। ये हमारे लिए प्रॉब्लम कैसे हुई? मौका हुआ ना, पहले पुलिस को कंप्लेन की जाएगी, फिर ये बताओ कि एन मौके पे आके वीर की और पूरी फैमिली की इज्जत कौन बचाएगा? ऑफ कोर्स मैं। एग्जैक्टली। बिजनेस में तुमने इतने सारे कोर्ट केसेस आउट ऑफ कोर्ट सेटल किए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, यहाँ पे भी तुम्हें वही करना होगा, लेकिन एन मौके पे, हाथ से सब कुछ जाने के बाद, ताकि फैमिली की इज्जत भी मैं बचाऊं और वीर की जिंदगी भी। एक्सीलेंट थॉट पैमी, ताकि भैया और भाभी जिंदगी भर हमारे एहसानों के तले दबे रहें और हमारी उंगलियों के निशाने पर नाचते रहें। और वक्त आने पे हम संजू और वीर की शादी की डिमांड रखेंगे और वो मना नहीं कर पाएंगे। एक्सीलेंट। एक्चुअली ये दुविधा नहीं, मौका है पैमी। ये हुई ना बल्लू वाली बात। तो फिर एक काम करते हैं, शुभ कार्य में देरी क्यों? ये शुभ कार्य जो है तुम अपने शुभ हाथों से और अपनी शुभ आवाज में ही कंप्लीट कर दो। ऑफ कोर्स माय लव, पास मी द फोन। हेलो इंसब्रुक पुलिस, आई हैव एन एक्सीडेंट टू रिपोर्ट अबाउट। माँ, हम जानते हैं कि आप राघव को लेकर कितनी इमोशनल है, और आपको इस स्टेट में देखकर हमें बहुत गिल्ट हो रहा है, क्योंकि हम ही तो आपको वहां खींच कर ले गए थे। उस संजना जो कुछ भी राघव के साथ कर रही थी, इट वाज, आई कांट इवन स्पीक अबाउट इट। हम इस घर की बड़ी बहू और इस घर का मान रखना हमारी ड्यूटी है। माँ क्या बोले जा रही है? माँ, आपने जो सिंघानियास की चैरिटी को 20,000 euros डोनेट किए हैं बाऊजी की याद में, उसे सुनकर बहुत सुकून मिला। मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, भलाई करने में ही सुकून है। मतलब? सुधा भाभी, बाहर वालों को तो हम इतने पैसे डोनेट करते ही रहते हैं, जस्ट रियलाइज कि हमारे खुद के घर में चैरिटी की जरूरत है। तुम कभी सीधे सीधे बात नहीं कर सकती हो परमेश्वरी। हाँ। अच्छा मम्मी जी, हम बाहर वालों की भलाई तो करते ही रहते हैं, बलराज ने सोचा क्यों ना अपने वीर की ही थोड़ी भलाई कर दे। वीर को क्या हुआ? वीर को कुछ नहीं हुआ, वीर की वजह से कुछ हुआ। क्या? नशे की हालत में उसने 6 मंथ प्रेग्नेंट लेडी पे गाड़ी चढ़ा दी।
What? And that too in India. फिर से बता क्या हुआ? अब ठीक से तो कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि पुलिस केस हुआ है। बलराज जा रहे हैं उसे बचाने के लिए। Let's see क्या केस बनता है। But God only knows कि कितने मिलियन यूरोस लग जाएंगे इस केस के सेटलमेंट में। 6 month प्रेग्नेंट लेडी, ऑन टॉप ऑफ दैट वीर मेहरा। सो वीर कैसा है? नशे में है। डोंट वरी सुधा भाभी, चैरिटी बिगिंस एट होम। थैंक यू वेरी मच। लगता है शौक में है सुधा भाभी। डोंट वरी मम्मी जी, बलराज है ना, मैं और बलराज मिलके किसी ना किसी तरीके से वीर को बचा ही लेंगे। आई जस्ट कम। संभालने की कोशिश की है तुझे, और तू क्या कर बैठा? तू क्या कर बैठा? अरे रब्बा, ये पुलिस क्या करने आई है यहाँ मरने की? We got the tip. Your wife is hurt by a car. Yes, officer. And I have a complaint against him. राजीव, चंचू, चंचू तुम ठीक हो? Officer, I think there is some confusion. Are you related to them? No. Are you drunk? Not drunk. We need to test you right now. Come with us, please. I would not. You have no case against me. Sir, I ask you kindly. It's a breeze test analysis. You have to come and take it. You get my lawyer first, okay? No lawyer. Test first. You have no choice. Please, sir. Chanchu, तुम बार-बार मुझे रोक क्यों रही थी? इसकी तो मैं तुम्हें हो क्या गया है? इतनी सी बात तुमको समझ में नहीं आ रही? मैं ठीक हूँ। तो मेरी जान क्यों निकाल रखी थी? क्योंकि तुम शुरू से ही इतने ओवर एक्टिंग कर रहे थे ना, अगर मैं इशारा भी करती तो सारा शो ही फ्लॉप हो जाता। वाह, मान गए आपको। चंचू, नीनू, चंचू। भाभी अब ठीक तो है ना? भाभी आप फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, डॉक्टर इज शी ओके? डू यू नीड एनी मनी फॉर एनी मेडिकेशन और एनी बिल फॉर अ पेंडिंग? See to it that she's fine. Relax, relax. Don't worry. We are running some tests. And you just don't panic. नैना, तुम्हारे जैसे ननन हर किसी को मिले। कितना ख्याल रखती हो तुम, पर तुम पैसे क्यों दोगे? पैसे तो उसे देने चाहिए ना जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया है। हम दूसरों पर भरोसा क्यों करें? हम अपनी तरह से पूरी तैयारी करेंगे और आप फिक्र मत कीजिए। आप ये रख लीजिए, मैं और पैसों का इंतजाम भी कर लूंगी। मैं दो जॉब्स कर लूंगी, लेकिन आपके इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। आज का दिन वैसे बहुत बुरा। सुबह तुम्हारे भैया की नौकरी चली गई, मेरे साथ ये से अपा हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया। पर अगर तुम हमारे पास नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। हाँ नहीं भैया, आप इस भाभी के पास रहिए और उनका ख्याल रखिए, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। नैना, थोड़ा सा पानी पिला दोगे? अभी लाई भाभी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।